नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अमौड़ा गोसाई की बाजार आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। और ये खबर लखनऊ से है, जहां भारतीय दूरसंचार कर्मचारियों की केंद्रीय कार्य समिति की आकस्मिक बैठक यूनियन की बैठक आज वस्तुतः आयोजित की गई और सिफारिशों को लागू करने का मुद्दा बीएसएनएल कॉरपोरेट कार्यालय नई दिल्ली के पत्र संख्या के मद्देनजर पीआरसी पर पूरी तरह से चर्चा की गई। बीएसएनएल जिसमें प्रबंधन ने मान्यता प्राप्त यूनियनों को सूचित किया है, बीएसएनएल के गैर कार्यकारियों के लिए 0% फेटमेंट के साथ इसी पीआरसी पर विचार किया जाएगा। इस यूनियन के सीडब्ल्यूसी ने सर्वसम्मत से प्रबंधन के इस फैसले का विरोध किया है और सभी एसए मुख्यालय और बीएसएनएल कॉरपोरेट में राष्ट्रीय व्यापक विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का निर्णय लिया। कार्यालय और अन्य स्थानों पर जहाँ 16/11/2021 को लंच ब्रेक के दौरान संभव होगा। सर, आपका नाम? राजेश कुमार सिंह। आप ये किस चीज़ के लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम लोग इस समय मेन हम लोगों का ज्वलंत उदाहरण जो है समस्या वो है थर्ड पीआरसी की है। सरकार अभी 2019 में 5% फिटमेंट के साथ थर्ड पीआरसी लागू करना चाह रही थी, लेकिन मान्यता प्राप्त यूनियन ने बीएसएनएल और एनएफटी जो जेसीएम में बैठे हुए हैं उन लोगों ने उस समय सरकार को गिराने के उद्देश्य, सरकार का चुनाव आ चुका है, इनका बेइज्जती की जाए, 5% फिटमेंट नहीं लिया, थर्ड पीआरसी नहीं मांगा। आज की डेट में वो 0% फिटमेंट के साथ जो है उसी थर्ड पीआरसी का समझौता कर रहे हैं। जो कर्मचारियों के साथ दुर्भावनापूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, जिससे हमारे अभी बीआरएस हुए हैं 19 में हमारे कर्मचारी, उनका भी नुकसान हुआ और आज की डेट में हर कर्मचारी का लगभग 7-8 लाख रुपया नुकसान हो चुका है। उसके बाद ये 0% फिटमेंट में मान रहे हैं। हम लोग उसी के विरोध में, क्योंकि 18 तारीख को अभी इन लोगों का मीटिंग है बीएसएनएल बोर्ड से, उसी के विरोध में दे रहे हैं कि कुछ दबाव बना के ये 5% फिटमेंट के साथ कम से कम हमारे कर्मचारियों के लिए समझौता करें, वो लागू करा सकें, जिससे हमारे कर्मचारी को 5% फिटमेंट का लाभ मिल सके थर्ड पीआरसी का।